आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ के। आइए चलते हैं। कई वैरायटीज के जो है अमरूद मिलते हैं आप यहाँ का। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है अभी, ना कोई आपको मिलेगा, आप आराम से कहीं पर बैठ सकते हैं। तो गाइस धूप बहुत ज़्यादा है, उन सभी में आपको ये दिख रहे हैं आप 4 टॉम है, इनको मकबरा बोलते हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन सारे लग, कोरोना की वजह से सारा सिस्टम अभी गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। बहुत कूड़े को डालने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे बनाए गए हैं, बहुत अच्छा। वेस्ट का आप ये देख सकते हैं, ये बीच में पता नहीं किस लिए बना है, लोग इसमें बोलते हैं, आप देख सकते हैं। इसके लास्ट पॉइंट से आपको आगे की सीन हेलो गाइस, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइस आज मैं कुतुब आ गया हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ के टिप्स। आइए चलते हैं। आप आएँ घूम सकते हैं, बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है अभी, ना कोई आपको मिलेगा, आप आराम से कहीं पे बैठ सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए, सो नाइस, बिल्कुल यहाँ पे ये बना हुआ है और ये वाटर यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा लुक है। यहाँ ये मकबरा खुसरू की पहली पत्नी मानबाई का है। सो गाइस ये जो टॉम आप देख रहे हैं ये खुसरू की बहन निसार बेगम का था। लुक बहुत ही अच्छा है, अब सेकंड इसका देख रहे हैं। से आप देख सकते हैं ये सारी टॉम्स आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली देखेंगे। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बट क्या होता है जब यहाँ पे अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन सारे लग, कोरोना की वजह से सारा सिस्टम अभी गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। का सबसे लास्ट टॉम है ये मकबरा, अब इस मकबरा फतेहपुर सिकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित है, आप इसको देख सकते हैं। सो यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू है। इसके लास्ट पॉइंट से आपको आगे की सिंह इसके लास्ट पॉइंट से आपको आगे की सिंह लास्ट पॉइंट आ गया है। यह हमारा गेट है, यहाँ से हमको चलना है। बस आज की हमारी जर्नी तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको खुसरू बाग का पूरा लुक दिखा सकूं, और अगर आपको यहाँ कभी आना हो तो यहाँ ज़रूर है। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। ये जस्ट स्टेशन के साइड में, और यहाँ आके आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।